और एक वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों के बारे में आज मैं आपको बताता हूं। ओके, ऐसे क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अच्छा सर, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे सर एग्जांपल देना, जैसे अपना मास, यस, मैं मेरा मास मान लिया 70 केजी है, उस वो 70 मैग्नीट्यूड तो हो गया मेरा 70, यस, तो मेरे मास का मैग्नीट्यूड तो है 70, मेरे मास की डायरेक्शन क्या है भाई? अरे सर मास की थोड़ी ना डायरेक्शन होती, कभी ऐसा सुना है? अबे तेरा मास कितना है? उसने कहा मेरा 70 केजी है ईस्ट की तरफ। ऐसा सुना कभी? अरे ईस्ट की तरफ का क्या मतलब, मास तो मास है, वो कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी। एक बंदा सामने से एक पैकेट उठाए आ रहा था, नमक का पैकेट था, साल्ट था। बोलता क्या लेके आया? बोलता साल्ट लेके आया हूं 1 किलोग्राम। अच्छा, या कभी ऐसा सुना है कि 1 किलोग्राम साल्ट लेके आया हूं ईस्ट की तरफ? ये क्या मतलब हुआ भैया? अरे साल्ट की क्वांटिटी बताई है 1 किलोग्राम, ईस्ट की तरफ 1 किलोग्राम थोड़ी ना है, मानते हो? जी हाँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है कि ये कितनी है, कितना है, वो तो मैग्नीट्यूड और किस तरफ है वो डायरेक्शन होती है, तो मास का कोई तरफ थोड़ी ना होता है। जी हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी कौन है? फॉर एग्जाम्पल मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस डिस्टेंस की तो डायरेक्शन होती है कि मैं 10 किलोमीटर गया और फिर मैं 3 किलोमीटर वापिस आया, तो 10 किलोमीटर गया तो था ईस्ट की तरफ, वापिस आया मैं वेस्ट की तरफ, है ना डायरेक्शन सर? तो आप डिस्टेंस को तो स्केलर क्वांटिटीज में नहीं लिख सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और कंडीशन होती है, आपने 9th तक तो इतना ही पढ़ा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ओके? एक और कंडीशन होती है किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर डिसाइड करने में, और वो ये है, अगर कोई क्वांटिटी हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं तो वो स्केलर है, और अगर किसी क्वांटिटी पे सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स अप्लाई नहीं होते तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, उनमें वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। सर ये बात समझ में नहीं आएगी, सिंपल एल्जेब्रिक कैसे? मान लिया 3 + 5 = 8, मानना क्या सर, ये तो होता ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या डिस्टेंस को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डिस्टेंस को बिल्कुल सिंपल एल्जेब्रिक रूल से हम एडिशन करके निकाल सकते हैं, यस। हाँ, ऐसे ही मास के लिए हम 70 kg + 30 kg 100 kg हो जाता है, तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी होने के लिए एक और कंडीशन ये है, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी थी, और एक तीसरी कंडीशन ये है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन इज फॉलोड, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके? अच्छा सर, तो जैसे डिस्टेंस है, मान लिया आप इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो आप जब ऐसे ऐसे जाते हो, इस तरह, तो ये 3 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो आप टोटल कितना गए? 3 + 8 = 11 + 3 = 14 + 8 = 22 + 4 = 26 और प्लस ये 2 = 28 किलोमीटर। तो बताओ क्या टोटल डिस्टेंस आपने सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से निकाल लिया? नहीं, बिल्कुल सर निकाल ली, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमेशा ये नहीं चलता, हमेशा एल्जेब्रिक एडिशन नहीं चलता। जैसे सर देना एक बार एग्जांपल, एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने लगूं कि यहां पे एक बॉक्स रखा है, अच्छा सर चलिए मैं एक बार एग्जांपल आपको थोड़ा सा इसको रफ करके दे देता हूं, ओके? तो मान लिया यहां पे एक बॉक्स रखा है, ओके सर, ये वाला बॉक्स रखा था, इस पे किसी ने फोर्स लगाया यहां पे 8 न्यूटन, कितना? 8 न्यूटन। अब किसी ने यहां पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन,
तो बॉक्स उस तरफ चल रहा है, बताओ कितने फोर्स से, कितने फोर्स से? सर 8 + 2 = 10 न्यूटन फोर्स से इस तरफ आ रहा है। ओके ओके, अब एक बात बताओ, यहां पे 8 न्यूटन आपने लगाया इस तरफ और ये वाला पर्सन इस तरफ से ऐसे लगा रहा है 2 न्यूटन, तो अब ये बॉक्स किस तरफ जाएगा? उसी तरफ जाएगा सर, लेकिन कितने फोर्स से, कितने से? सर बॉक्स पे ना अब 6 न्यूटन लग रहा है, हाँ, क्योंकि इस 2 न्यूटन ने इस 8 के 2 न्यूटन को तो कैंसिल करा दिया, तो बच गया 6 न्यूटन। तो एक बात बताइए, यहां पे बॉक्स पे मैंने नहीं कहा कि 10 न्यूटन लग रहा है, नहीं ना, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है। एक बात बताओ, डिस्टेंस, ये पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 8 किलोमीटर और फिर वापस आया यहां तक ये 2 किलोमीटर, तो पर्सन ने टोटल कितना ट्रेवल किया? 8 + 2 = 10 किलोमीटर। सर बताओ, क्या डायरेक्शन उल्टा होने से क्या डिस्टेंस की टोटल वैल्यू पे फर्क पड़ा? नहीं। अब एक बात बताओ, एक पर्सन गया, ये सी पॉइंट था, और एक पर्सन गया ए से बी, ए, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, ओके, तभी आप आगे किसी और को समझा पाओगे जब इतना डीप तक जाएंगे, ओके, चीजों को आसान करके समझना है। तो 8 किलोमीटर एक पर्सन गया और फिर वो इससे आगे 2 किलोमीटर और गया इस डी पॉइंट तक, तो बताओ वो पर्सन कितना चला? 10 किलोमीटर। तो वो उसी तरफ जाता रहा 10 किलोमीटर। अब यहां पे क्या था, 8 किलोमीटर जाके और फिर वापस आया 2 किलोमीटर, अब भी तो 10 किलोमीटर चला, अब भी 10 किलोमीटर चला, यानी एडिशन में डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, यानी सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन आप अप्लाई कर पा रहे हैं डिस्टेंस के केस में, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स के केस में जब आप टोटल निकालते हैं ना, टोटल फोर्स बॉक्स पे कितना है, तो तब आपको क्या देखना पड़ रहा है कि डायरेक्शन क्या है फोर्सेज की। अगर फोर्सेज सेम डायरेक्शन में थे तो 10 न्यूटन आया, अगर अलग अलग डायरेक्शन में थे तो 6 न्यूटन फोर्स आया टोटल बॉक्स पे, आया ना। यानी यहां पे तो आपने एल्जेब्रिक एडिशन नहीं किया, एल्जेब्रिक किया होता तो 8 और 2 = 10 हो जाते ना, एल्जेब्रिक एडिशन में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है ना। और ये है वेक्टर एडिशन, कौन सा? वेक्टर एडिशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्केलर या वेक्टर निकालते टाइम किसी क्वांटिटी का हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि वेदर दैट क्वांटिटी फॉलोज द सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन और वेक्टर एडिशन। सो वेक्टरली कैसे ऐड करते हैं सर, वो तो सीखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल तो मैंने दे भी दिया आपको, है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एक बॉक्स पे ना फोर्स ऐसे भी लग सकता है 8 न्यूटन इस तरफ और 2 न्यूटन इस तरफ, बताओ बॉक्स पे टोटल फोर्स कितना है? 10 तो है नहीं सर, है ना, नेट फोर्स 10 तो है नहीं, तो कितना है वो हम वेक्टर एडिशन करना सीखेंगे, आज ही सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी गो टू नो द स्केलर क्वांटिटीज हैव 3 main things। 1, दे हैव द मैग्नीट्यूड, दे हैव द मैग्नीट्यूड, यस, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, एंड 3, दे कैन बी एडिड, क्या लिखेंगे, कैन बी एडिड यूजिंग सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, यस, फॉलोज, सीधा लिख लो, फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, सिंपल एल्जेब्रिक, अरे एल्जेब्रा होता है ना 2, 3, 4, 6 पढ़ते हो जो, यस, तो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन के रूल को फॉलो करती है। और एक वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, दी क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, की कितना है, यस, तो नंबर 1 हैव मैग्नीट्यूड, जी हां ये तो होगा ही भाई, कितना है, अच्छा, नंबर 2 हैव डायरेक्शन, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी और ये वाली है जिनके पास डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, यस, हैव डायरेक्शन, एंड द 3rd थिंग, यस, दे डू नॉट फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, दे फॉलो वेक्टर एडिशन, फॉलोज वेक्टर एडिशन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डू नॉट फॉलो एल्जेब्रिक एडिशन, क्लियर। तो अगर एक क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, क्या बता सकते हो स्केलर या वेक्टर? नहीं सर, दोनों के पास ही होता है, ओके। अगर एक क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास डायरेक्शन है, क्या बता सकते हो स्केलर है या वेक्टर?
देखो बच्चों, नाइन्थ क्लास तक तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि सर डायरेक्शन है यानी वेक्टर है, लेकिन अब आप इलेवेंथ में हो गए हैं, है ना, तो तब आप ना तो मैग्नीट्यूड बोलो ना डायरेक्शन बोलो, आप सीधी बात करो इस थर्ड रूल की। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है इलेवंथ क्लास के हिसाब से, नीट के हिसाब से, जेई के हिसाब से, एनडीए के हिसाब से। ओके यस, और यहां पे आप क्या देखेंगे, क्वांटिटी, क्या हम डायरेक्ट सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं या नहीं, उस हिसाब से हम बताएंगे भैया कि ये स्केलर है या वेक्टर है। जैसे यानी सर आपका कहने का ये मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी की डायरेक्शन तो हो और वो सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स फॉलो ना करती हो, डायरेक्शन है उस हिसाब से तो वो वेक्टर हो गई। यस, और वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती फिर तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर हो सकती है नहीं ये बात? जी हाँ, एक ऐसा ही मैं एग्जांपल आपको देता हूं इलेक्ट्रिक करंट का। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्या होती है करंट की डायरेक्शन? हाँ सर पढ़ा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, होती है ना? जी हाँ, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे सर डायरेक्शन तो है उसके पास, तभी तो मैंने कहा आप थर्ड रूल के इलेवंथ में हो गए हो, अब थोड़े से बड़े हो गए। ओके, नाइन्थ क्लास तक के बच्चों को सिर्फ ये पढ़ाना है, सिर्फ ये सिखाना है। ओके, उन्हें वेक्टर एडिशन या सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन का नहीं पता है ना, लेकिन आप इलेवंथ में हो, आपका माइंड इतना परिपक्व हो चुका है कि आपको मैं बता सकता हूं करंट के बारे में। कैसे सर, बताना एक बार, ये बताओ एक वायर यहां से आई इस तरफ से, इसमें करंट था 5 एम्पियर, डायरेक्शन है ना? यस सर, उस तरफ जा रहा है। इस तरफ से करंट आया 4 एम्पियर, और ये दोनों वायर मैंने यहां अटैच करा दी और यहां से एक वायर गया इस तरफ, तो बताओ इस वायर में करंट कितना जाएगा? 4 प्लस 5 9 एम्पियर जाएगा सर, नॉर्मल सी बात है। हाँ, आगे जाएगा इस तरफ, तो एक बात बताओ क्या सिंपल डायरेक्शन थी ना? यस सर, तो डायरेक्शन थे उस हिसाब से तो वेक्टर होना चाहिए इसको, है ना? लेकिन नहीं, कौन ज्यादा डोमिनेंट है रूल, कौन सा रूल ज्यादा डोमिनेंट है कि एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है या नहीं करता? सो करंट, इलेक्ट्रिक करंट एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन नहीं मानता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट आई इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा प्यारे बच्चों, यस और नो, स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं छोटा सा। जी हाँ, अरे 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 अरे, हाँ चलो इसको साफ कर लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं स्केलर और वेक्टर ढूंढने का आपको देता हूं। एक बात बताओ, मैं इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी तक गया मान लिया 3 किलोमीटर। ओके, अब बी से सी तक गया, बी से सी तक गया 4 किलोमीटर, तो ए से सी तक, ए से सी जो डिस्टेंस है क्या वो ए बी प्लस बी सी के बराबर है? नहीं ना, नहीं ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी डिस्टेंस, ए से सी की डिस्टेंस जब वो आपसे पूछेगा तो आप पूछेंगे किस रास्ते से गया है ए से सी। अगर इस रास्ते से गया तो 7 किलोमीटर थी डिस्टेंस, और इस रास्ते से गया तो 5 किलोमीटर थी या नहीं? बिल्कुल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए सी के बीच की जो दूरी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और इसमें कोई मोड़ नहीं है, देखो आप, इसमें कोई मोड़ वगैरह नहीं है, और इसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ेंगे हम आगे चल के इसके बारे में और ज्यादा डीप में, लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो डिस्प्लेसमेंट की तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, जबकि डिस्टेंस की कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, और डिस्प्लेसमेंट है ना वो एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो नहीं करती, वो तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। तो एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर था, 3 था, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 था, तो उन दोनों वेक्टर्स का सम 5 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? 5। वो कैसे सर? 3 प्लस 4 5 भी हो सकता है? हाँ, वेक्टर एडिशन में होता है। बताना सर कैसे? सीखेंगे आज, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। जी हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच, कितना इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला, मुझे तो मजा आ रहा है। यस, ये चीजें मैं आज तक के अपने कैरियर में कम से कम 70-80 टाइम्स बच्चों को करा चुका हूं, है ना, लेकिन हर बार, फिर भी हर बार मुझे नयापन लगता है इन चीजों में।
जी हाँ, और जब तक आप नयापन ढूंढते रहेंगे ना, तब तक आपको सब्जेक्ट में मजा आता रहेगा। आप भी खुद के एग्जांपल्स ट्राई किया कीजिए, ओके। और कुछ भी नया लगे सर को मैसेज कर दो कि सर ये देखना ऐसे ऐसे है, तभी मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ये इसका, हम डिस्कस करेंगे, गप्पे मारेंगे, थोड़े से करेंगे एंजॉय, मैसेज कीजिए। जी हाँ, क्या क्लियर है?